सर्वप्रथम जय मां शुनली। मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय प्रदेश अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे पार्ट नंबर पाँच की सेवा के लिए उतारा है। लेकिन मैं एक इसमें हमारे वार्ड में जो पाँच नंबर वार्ड में कुलभूषण गुप्ता जी की जो मृत्यु हुई है उसके उपचुनाव में चुनाव हो रहा है, अब इस चुनाव में तो उतरना तो है ही है। मेरी सबसे यही वार्ड के लोगों से यही मेरा वो कहना रहेगा कि सबसे पहले तो मैं हमारे वार्ड में से जो स्मेल है नालियों की, चैम्बरों की, सबसे पहले वो क्लियर कराऊंगा। और जो पानी की समस्या है वो बहुत जल्दी दूर होगी, क्योंकि जो हमारे पानी के टैंकों की पाइपें हैं उनका जो पानी आता है ऊपर से मेन टैंक से उसका साइज़ कम है, ठीक है। और DPR के थ्रू जो हमने 8 करोड़ रुपए का वो दिया है नगर निगम ने, और उस पाइपों का साइज़ बढ़ाकर हम अपने वार्ड में पानी को सुचारू रूप से करेंगे। क्योंकि जब हम पानी भरते हैं वार्ड के टैंकों के अंदर तो पानी आता 6-7 घंटे के अंदर है, और जब खाली होना होता है तो 3-3.5 घंटे में टैंक खाली हो जाते हैं। मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पानी और स्मेल है, जो जगह जगह चैम्बर जगह जगह नालियाँ ओपन है, ठीक है। उसको मैंने जब मनोनीत पार्षद रहते हुए भी कई जगह कम करा भी है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे मेरे को वार्ड के लोग आगे लाएं, और मैं ये बिल्कुल वादा करता हूँ पूरे वार्ड के लोगों से कि पूरा वार्ड एक ये आदर्श वार्ड बनाकर मैं इसको आगे लेकर आऊँगा। लोकतंत्र की सुंदरता है कि यहाँ जिनको भी अवसर मिलता है, मैं समझता हूँ इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं समझता हूँ जो अपने प्रीत नारंग जी को जो अवसर मिला है ये इनके, और मैं समझता हूँ अपने इनके अपने इतिहास में एक स्वर्णिम अवसर है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत भी है कि हम लोगों के पास जाकर उनकी सेवा का एक प्रकार से उन्हें संकल्प लेते हैं और एक प्रकार से उन्हें वादा करते हैं कि भाई हम आपके बीच में खड़े उतरेंगे। यही एक एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे लाला भूषण जी के निधन के बाद उत्पन्न हुई हमारी 5 नंबर वार्ड में, और उसी पूर्ति करने के लिए लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुसार आज नॉमिनेशन का दिन था। सारे कांग्रेस जन यहाँ पर हैं, ऑल सीनियर लीडर्स आप गए, इन्होंने बहुत से चुनाव देखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पुनीत नारंग के लिए शायद ये पहला अवसर है। उनको यही कह सकता हूँ कि लोगों के पास जाकर उन्हें आश्वस्त करें कि हमारी अपनी कांग्रेस की सरकार है नंबर वन, और जो भी यहाँ की विकासात्मक गतिविधियाँ हैं या जो भी यहाँ की प्रोसेस चली हुई है, जो कोई काम रह गया हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सुविधा हो, वो उसकी तरफ ही अपना काम सुनिश्चित करेंगे। और यही काम होता है काउंसलर का अपने निगम में, और मुझे पूर्ण आशा है कि पुनीत नारंग बींग ए यंग पर्सन विल बी एबल टू इक्विप वेरी वेल ऑन दिस, और पूरे कांग्रेस जन भी इनका सहयोग करेंगे। सभी लोगों ने इतने इलेक्शन पार किए हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे हमारी अपनी एक और सदस्य आ जाएगा निगम में, और मुझे पूर्ण आशा है कि अथक परिश्रम करना होगा 10 दिन या 12 दिन जो भी हैं हमारे पास। आई थिंक 29 वोटिंग, तो मेरा ख्याल है कि इनको जो कि पहले भी नॉमिनेटेड रहे हैं, अब इन्होंने पिछले कल ही अपना कार्यभार से इस्तीफा दिया है, और तो लोगों के साथ मिलाप इनका है ही, और मैं समझता हूँ मेहनत की ज़रूरत है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के झोली में ये डालेंगे। मैंने अपनी अपनी शुभकामना देता हूँ।